जहीन मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिन से हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, मैथ 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 मैथ। एक मिस्टर मिस सोनम कुमारी कमेंट भी कर दी कि सर मैथ कब तक चलेगा। तो बच्चों, मैथ जो है एक लेक्चर और होगी, बट आप उब गए इसके लिए क्या कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी उब जाते हैं। उसके लिए मैं जो है आज जो है SST स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि SST से सवाल आते हैं कितने, 80 नंबर के सवाल होंगे, और उस 80 नंबर में से आपको 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होंगे और 40 नंबर सब्जेक्टिव होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, और उस SST में 5 विषय हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर एक चैप्टर को बहुत बारीकी ढंग से पढ़ाया जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को देखना है लगातार, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे बच्चों कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी, जिससे उस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करता हूँ। तो सर, आप जो है SST में आज क्या पढ़ाने वाले हैं, इस टॉपिक में आप क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों, आज इस टॉपिक में वैसे टॉपिक पढ़ेंगे, SST के मैं वैसा विषय ले रहा हूँ जहाँ से आपके 5 से 6 नंबर आएगी 1 से 2 क्लास में। अगर 1 से 2 क्लास आप देख लेते हैं, यानी कहने का मतलब अगर आज वाला लेक्चर आप समझ लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपकी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर नंबर को इम्प्रूव करनी है, नंबर को आपको अगर बढ़ाना है, तो आपके करीब वीडियो को लाइन बाई लाइन देखें, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, और बगल में घंटी होगा उसको क्या कर दें बच्चों, प्रेस कर दें, जिससे होगा क्या, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलिए बच्चे, आगाज करता हूँ। तो आज हम SST में पढ़ना है, पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन, आपदा और आपदा प्रबंधन। तो बच्चों, हेडिंग दिया गया है आपदा और आपदा प्रबंधन, आपदा और आपदा प्रबंधन। तो सबसे पहले समझेंगे आपदा किसे कहते हैं, फिर समझेंगे कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप फिर पढ़ेंगे कि आपदा के कौन जो है प्राकृतिक आपदा है, कौन जो है मानवीय आपदा है। इस सारा चीज़ों को मैं डिटेल से इस वीडियो में आज समझने वाले, ठीक है ना? तो चलिए इसे हम स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों, पहले देखिए आपको यहाँ आपदा, इस लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करें बच्चों, आपसे सवाल पूछेगी 6 मार्क्स के, 6 से 8 कहिए इसको, 8 मार्क्स के नंबर आपसे पूछे। बच्चों, मैं यहाँ लिखने की कोशिश नहीं करूँगा ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप क्या करें, मेरा डिफिनेशन हो, मेरे एग्जाम्पल हो, मैं एग्जाम्पल लिखूँगा, लेकिन बच्चों डिफिनेशन में कितना लिखूँगा, अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा। तो चलिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, आपदा क्या है, आपदा किसे कहते हैं। तो देखिए, आपदा क्या चीज पढ़ना है सर, आपदा किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपदा उकरा कहते हैं। देखिए, हम चाहते तो इसे हम लिख के लाया करते पहले इनसे, लेकिन लिख के क्यों नहीं लाए, मुझे लिख के इसलिए नहीं लाए क्योंकि लिख के जब लाएंगे तो आपको लगेगा कि सर आप समझ ले, आप है जो लिख के ले लाए हैं और डायरेक्ट लिख हल्का को समझा दे रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपके सामने इस डिफिनेशन को बोलूँगा, और डिफिनेशन बोलने के बाद मैं खुद उसे डिफिनेशन को लिखूँगा, तो आप चीज़ों को ध्यान से समझें। पहला आपदा क्या है? तो बच्चों देखिए, आपदा उसे कहते हैं जो अचानक होती है, और जब वो होगा तो जिससे हमें सब अधिक से अधिक हमें क्षति होगी, अधिक से अधिक हमें हानि होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें नुकसान होगी, तो उसी को तो बोलते हैं आपदा। अचानक होने वाली वैसा घटना जिससे हमें अधिक से अधिक हानि होती है, अधिक से अधिक हमें लॉस होती है, उसे हम आपदा कहते हैं। अब बताइए बच्चों, ये अचानक क्यों बोल रहे हैं सर, अचानक क्यों बोल रहे हैं, डिफिनेशन बोल रहे हैं जिसको अचानक आप क्यों बोल रहे हैं? बोलेंगे बच्चों, अचानक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब एक घटना होती है कोई, तो क्या हम जानते हैं? नहीं। तो अचानक होने वाली ऐसी घटना, अचानक होने वाली ऐसी घटना जिससे जान और माल
जान माल की क्षति होती है, नुकसान होती है, उसे हम आपदा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो डिफिनेशन बोल पा रहा हूँ वो डिफिनेशन को फिर से समझने की कोशिश करें, मैं एक एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, आपको घबराना नहीं। अगर आपको डिफिनेशन लिखनी है तो आप वीडियो को रोक रोक के डिफिनेशन को लिख लें। मैं डिफिनेशन फिर से बोलता हूँ, एक बार दो बार बोलूँगा, फिर डिफिनेशन मैं क्लियर नहीं किया हूँ। मैं डिफिनेशन अभी क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आपदा किसे कहते हो, तो मैं डिफिनेशन दिया कि वो उसको हम आपदा कहते हैं जिससे वैसा, अच्छा उसे हम आपदा कहते हैं जो अचानक होगा, और जिससे जान माल की क्षति होगी उसको हम आपदा कहते हैं। जैसे बच्चों, मान ले कि भूकंप आ गया। क्या चीज आ गया सर? भूकंप आ गया। तो बच्चों, अगर भूकंप आ जाती है तो भूकंप जब आती है तो क्या है, जो पूरा घर द्वार ऐसे ऐसे हिलने लगता है। अब जब घर द्वार पूरा हिल रहा है, अगर बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े रूम है, बड़े बड़े महल है, तो भी अगर हिलेगा तो क्या होगा बच्चों, वह गिर जाएगी। तो जब वो बिल्डिंग गिर जाती है, बिल्डिंग टूट जाती है, तो उसमें क्या होती है, उस बिल्डिंग के अंदर अगर जो भी लोग रह रहे हैं तो लोग मर जा सकते हैं, उनकी जान चली जा सकती है। सकती है या नहीं, जान जाएगी कि नहीं बोलेंगे, हाँ सर बिल्कुल जान जाएगी। तो अगर अचानक भूकंप, क्योंकि जब हम सो रहे थे तो अचानक भूकंप आ जाती है, तो इसका मतलब भूकंप जो है आपदा है। तो जब भूकंप आया तो भूकंप आने से क्या हो गया, रूम के अंदर चाहे जहीं कहीं भी हो, बहुत सारे जीव जंतु जो है मर जाएगी, बहुत सारे जीव जंतु की जान चली जाएगी। तो यह जान हुआ कि नहीं, जान गया कि नहीं जान गया, वो वाली जान के मत बात नहीं कर रहे कि आप मेरी जान है। अरे वो आप मेरी जान है चाहे हम आपकी जान है, वो अलग बात हुई। लेकिन जान जाना का मतलब कोई जीव की मृत्यु होना। अब जब कोई जीव की मृत्यु हो गई, उसको तो हम जान बोलते हैं, उनकी जान चली गई, तो क्या यहाँ जान की क्षति हुई या नहीं, तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल जान की क्षति हुई। अब बच्चों, अब बहुत सारे सामान है, बहुत सारे वस्तुएं हैं, घर द्वार नष्ट हो गई, जो घर द्वार में जो हम सामान के रखे हुए थे वो भी हमारे नष्ट हो गए, और कुछ वस्तुएं रखे हुए वो भी क्या हो गए बच्चों, नष्ट हो गए। तो हम जो भी वस्तुएं नष्ट होती है, जो भी सामान नष्ट होती है, जो सामान बर्बाद होती है, उस वस्तु को हम बोलते हैं माल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी वस्तुएं नष्ट हो रही है, जो भी सामान नष्ट हो रही है, जो वस्तुएं बर्बाद हो रही है, जो चीजें बर्बाद हो रही है, उसे हम माल कहते हैं, और जो जीव जंतु मरेगा उसको हम जान कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्लियर हो रही है? तो बताइए कि जब भूकंप आएगी तो जान जाएगा कि नहीं? तो सर जान जाएगा। क्या वस्तुएं नष्ट होगी? हाँ सर वस्तुएं नष्ट होगी। तो ओकरे इसीलिए तो बोल रहे हैं सर, तो सिर्फ भूकंप आने से बीमारियां हो रही है, ये जान और माल जा रहे हैं। कोई भी आपदा होगा बच्चों, तो जान जाएगा और वस्तुएं भी जाएगी। अब रेल दुर्घटना हो गया, तो रेल दुर्घटना भी अचानक होती है, और जब रेल दुर्घटना अचानक होती है तो ये भी दुर्घटना होने से जान माल की क्षति होती है, लोग मर जाते हैं, लोग जो वस्तुएं रखे होते हैं और जो चीज़ें रखे होते हैं वो भी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? तो हाँ बच्चों। तो कहने का मतलब कि जो भी आपदा होती है, जो भी अचानक कोई ऐसी घटना आती है जिससे जान माल की क्षति होती है, ओकरे हम आपदा कहते हैं। और अचानक होती है, हाँ अचानक होती है। बाढ़ आ गया, बाढ़ भी एक आपदा है। भूकंप आ गया, भूकंप भी एक आपदा है। रेल दुर्घटना, रेल आपस में लड़ गए, ये भी दुर्घटना है। सांप्रदायिक दंगे हो गए, सांप्रदायिक दंगे के मतलब सब लोग एक दूसरे से मिल के आपस में लड़ जाते हैं, आपस में झगड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों सांप्रदायिक दंगे। क्या बोलते हैं सर? सांप्रदायिक दंगे बोलते हैं। महामारी, गांव घर में जो है ऐसा कोई बीमारी आ गया जिससे लोगों के लोग मर रहे हैं, लोगों के लोग जो है नष्ट हो रहे हैं, लोगों के लोग बीमारी धर रही है जिसके कारण लोग मर रहे हैं, तो महामारी भी एक आपदा है। सूखा, अभी देखिए बारिश नहीं हो रही, जब बारिश नहीं होगी तो इससे भी आप आपदा होगी, फसलें नहीं उगेगी, जिससे बच्चे ये भी एक आपदा है। अचानक आग लग गया तो इसमें ही बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे, बहुत सारे वस्तुएं नष्ट हो जाएगी, तो बच्चों ये भी एक आपदा है। कहने का मतलब, मैं उम्मीद करता हूँ अब कि मेरी आपदा के जो है एग्जाम्पल समझ पाए होंगे,
और आपदा को हम जो डिफिनेशन कर पा रहा हूँ वो डिफिनेशन को बहुत बारीकी ढंग से आप क्या कर पा रहे होंगे बच्चों, समझ पा रहे हो? तो मैं डिफिनेशन को फाइनली कर रहा हूँ अब, क्योंकि आप समझिए कि जब भी आपदा होगी तो जान की भी जान भी जाएगी और माल कुछ वस्तुएं भी नष्ट होगी। तो डिफिनेशन पर आइए। अचानक आने वाले चाहे अचानक घटने वाली ऐसी घटना जिससे जान माल की क्षति होती है उसे हम आपदा कहते हैं। फिर से डिफिनेशन को सुने, मैं एक बार फिर से डिफिनेशन को रिपीट कर पा रहा हूँ। अचानक घटने वाली ऐसी घटना जिससे जान माल की क्षति होती है उसे हम आपदा कहते हैं। आपदा के एग्जाम्पल सर, भूकंप, बाढ़, सुनामी। सुनामी समझेंगे, समुंदर में जो लहर आती ना उसे हम सुनामी बोलते हैं। तो बाढ़, सुखाड़, सुनामी, आग लगी, रेल दुर्घटना, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, सुखाड़ वगैरह वगैरह इत्यादि जो है बच्चों ये आपदा है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे डिफिनेशन को आप समझ पा रहे हैं। सर डिफिनेशन को एक बार लिख दीजिए, तो लिख लीजिए। अचानक होने वाली ऐसी घटना, अचानक होने वाली चाहे अचानक होने वाले चाहे अचानक आने वाली ऐसी घटना, अचानक होने वाली ऐसी घटना, ऐसी घटना, अचानक होने वाली ऐसी घटना जिससे जिससे जान माल की क्षति होती है, जिससे जान माल की क्षति होती है, क्षति होती है उसे हम आपदा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम आपदा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आपदा कहते हैं। आपदा के अगर एग्जाम्पल के बात किया जाए बच्चों, तो आप लिख सकते हैं बाढ़, बाढ़ भी आपदा है। सुखाड़, सुखाड़ भी आपदा है। सुनामी, सुनामी के बाद आप लिख सकते हैं भूकंप, लिख दिए भूकंप, भूकंप, भूकंप के बाद लिख सकते हैं महामारी। ये सारा के सारा बच्चों आपदा है, ठीक है? ये सारा के सारा क्या सर? ये सारा के सारा आपदा है, हाँ या नहीं? बोलेंगे हाँ सर, ये समझ गए। अब देखिए प्रबंधन क्या होती है। आपदा क्लियर कर पाया मैं? अगर आपदा प्रबंधन अगर पूछे कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, देखिए बच्चों आपदा का डिफिनेशन बहुत भी आई है। ऐसा है कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा कितने प्रकार के होते हैं उसे लिखें। मैं ये भी डिफिनेशन को समझा पा रहा हूँ और उस शीर्षक को समझा पा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है क्या सर? आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपदा मन होता है बच्चों, देख लीजिए आपदा के मतलब अचानक घटने वाली ऐसी घटना चाहे अचानक होने वाली ऐसी घटना, कुछ भी बोलिए ना, अचानक घटने वाली ऐसी घटना चाहे अचानक होने वाली ऐसी घटना जिससे जान माल की क्षति होती है उसे हम आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार की होती है, आगे हम तुरंत पढ़ रहे हैं प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा, लेकिन उससे पहले हम पढ़ रहे हैं आपदा प्रबंधन क्या है, ठीक है ना? लेकिन उससे हम यहाँ बांट देनी चाहिए, बट चलिए ना, समय ले, हमें समझनी है और एग्जाम में ये नहीं हुआ है कि पहले चीज़ों को क्या पढ़ें, हमें समझनी है बच्चों, हमें यहाँ लोड करनी है। तो चलिए समझ चीज़ों को। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन, आपदा मैंने समझ गए, अचानक होने वाली ऐसी घटना जिससे जान माल की क्षति होती है उसे हम आपदा कहते हैं। प्रबंधन के मतलब होता है उसकी बचाव, उससे बचने के लिए, उससे बचने के लिए जो भी हम उपाय करते हैं, जो भी हम प्रबंधन करते हैं, जो भी हम उपाय करते हैं ताकि उन आपदाओं से हम बच सकें, उन घटनाओं से बच सकें, उसे हम बोलते हैं आपदा प्रबंधन। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपका नदी है और आपको लग रहा है कि बाढ़ आने वाला है, तो उस नदी जो है, मान लीजिए ऐसा नदियां जा रही है, तो नदी के जो किनारे किनारे होते हैं घेरे, उसको बोलते हैं मेड़ बोल सकते हैं या किनारा बोलिए। तो नदी में आने वाली है बाढ़, तो आप क्या करिएगा? उस मेड़ को थोड़ा सा ऊंचा करेंगे। बाढ़ से बचने के लिए नदियों को क्या करेंगे? एक नदियां को दूसरे नदियां में बच्चों हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि आप बाढ़ से बच सकते हैं। यहां तक बात समझ रहे हैं? तो बोलेंगे जी बिल्कुल समझ रहा हूं।
तो आपदा का मतलब अचानक अगर कोई घटना घटने वाला है तो उन घटनाओं से बचने के लिए जो भी आप प्रबंधन करते हैं, जो भी आप उपाय करते हैं, उसी को तो बोलते हैं आपदा प्रबंधन। सर क्या डिफिनेशन समझाते हैं? हाँ तो एक एक विषय को मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा, आप खाली व्यूज नहीं देते हैं, आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। जब देखते नहीं तो मुझे मजा नहीं आती, और जब मजा नहीं आती तो समझ सक रहे हैं, तो आप चीज़ों को खाली देखें। तो सर आपदा प्रबंधन क्या है, आपको क्या बताएं? आपदाओं से बचने के लिए जो भी उपाय किया जाता है, जो भी प्रबंधन किया जाता है, उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो अगर सवाल आए कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो बहुत बार एक आंसर लिखेगा कि आपदाओं से बचने के लिए जो भी उपाय किया जाता है, जो भी प्रबंधन किया जाता है, उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यह डिफिनेशन को आप बहुत बारीकी ढंग से समझ पाए होंगे कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो आपदा प्रबंधन क्लियर है, डिफिनेशन लिख दूँ तो लिख लीजिए। लिखेंगे आपदाओं से बचने के लिए, आपदाओं से, मैं बोल पा रहा हूँ आप लिख भी सकते हैं, आपदाओं से बचने के लिए, आपदाओं से बचने के लिए जो भी उपाय किया जाता है, जो भी उपाय किया जाता है, उपाय किया जाता है, उपाय किया जाता है, उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं, उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन कहलाते, उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये दोनों डिफिनेशन को बहुत बारीक ढंग से आप समझ पाए होंगे। बोलेंगे हाँ सर, ये दोनों डिफिनेशन को मैं बहुत बारीक ढंग से समझ पाया हूँ। देखिए राइटिंग में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो बोलिएगा, ऐसे हमको राइटिंग बहुत अच्छा बैठता है, देखना रहे कितना अच्छा से लिख रहे हैं। ऐसा हो पता नहीं, जिनको राइटिंग बैठता है तो डिफिनेशन सही नहीं लिखाएंगे, जो डिफिनेशन हमको ऐसे लगता है, अगर पता है आपको लगता है या नहीं, बट मैं कोशिश करता हूँ, बट नहीं हो पाता बच्चों कि राइटिंग सुधारो, नहीं होती है। चलिए क्या करिएगा, तो यहाँ समझ में आ गया आपदा किसे कहते हैं, आपदा प्रबंधन क्या है। अब चलिए अगर सवाल आए कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा कितने प्रकार है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दोनों को दिखाते हैं। अगर सवाल आए कि आपदा किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, लिखें, तो बच्चों हम यहाँ तीसरा सवाल पर अगर मान लीजिए कैसे आ जाए कि आपदा किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, लिखें। बहुत भी यही सवाल है, आपदा किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उसे क्या करें, लिखें। ध्यान दीजिए, तो बच्चों आपदा दो प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? सर आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं हम प्राकृतिक आपदा। ऐ सर हम पहले मानवीय ना लिख सकते हैं? अरे बाबू तू लिखो ना यार, प्राकृतिक आपदा। और दूसरा होता है मानवीय आपदा, मानवीय आपदा। पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानवीय आपदा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से चीजों को आप समझ रहे हैं कि अगर सवाल आए कि आपदा किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, उसे लिखें, तो सबसे पहले आपदा लिख के हम डैश लिख के परिभाषा लिख लेंगे। आपदा की परिभाषा लिखने के बाद लिखेंगे कि आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। इसके बाद मैं प्राकृतिक आपदा को डिफिनेशन दूंगा और फिर मानवीय आपदा को डिफिनेशन दूंगा। दोनों को आपको बारीकी से देना है, तो मेरे प्यारों से ध्यान दीजिए। प्राकृतिक आपदा के मतलब होता है ईश्वर द्वारा दिया गया आपदा। अगर कोई ईश्वर जिसको मनुष्य नहीं करता है और वह आपदा आती है और अचानक जानमाल की क्षति, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे अगर बाढ़ आ जाता है तो क्या बाढ़ को जो है मनुष्य लाता है? नहीं। तो बच्चों बाढ़ का जो एग्जाम्पल कहा जाएगा, ये बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। क्यों सर?
क्योंकि बाढ़ मनुष्य ला सकता है? नहीं। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि बाढ़ को आदमी नहीं ला सकता है। बाढ़ अगर जब भी आएगा तो प्रकृति द्वारा आएगा, अगर ज़्यादा बारिश होगी, बारिश की अधिकता के कारण बाढ़ आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि वैसा आपदा जो प्राकृतिक द्वारा होती है, प्राकृतिक द्वारा आती है, उस आपदाओं को हम, उन आपदाओं को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। डिफिनेशन सर फिर से बोलिए, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो वैसा आपदा, चाहे वैसी आपदा जो प्राकृतिक द्वारा घटित होती है, उन आपदा को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, तो क्या बाढ़ को मैं ला सकता हूँ? बाढ़ को आप ला सकते हैं? आप ला सकते हैं? नहीं ना, बोलेंगे नो सर, नहीं ला सकते हैं। भूकंप, ये कौन लाएगा? वीवीआई सवाल है, ध्यान समझिए। भूकंप मनुष्य ला सकता है? मनुष्य पूरा दुनिया को हिला सकता है? तो बच्चों, भूकंप भी जो है एक कौन आपदा है? भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ देखे कि प्राकृतिक आपदा है, भूकंप देखे कि प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल देखें, अगर बाबू समुंदर में आ गया है सुनामी, और समुंदर में आ गया है सुनामी, तो क्या यह सुनामी को मनुष्य ला सकता है? नहीं ना, ये भगवान ने लावेगा जी। समुंदर में भूकंप आ जाए, आगे हम पढ़ेंगे सुनामी किसे कहते हैं, तो वहाँ डिफिनेशन में देख बता देता हूँ। समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं, यानी समुद्रवा में जो भूकंप आती है, वही भूकंपा को हम सुनामी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये डिफिनेशन को भी समझ पाए होंगे। लेकिन चलिए, मैं एग्जाम्पल पर थूँ, एग्जाम्पल पर था, तो चलिए एग्जाम्पल पर। तो सुनामी सर क्या है? सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि सुनामी मनुष्य नहीं ला सकता है, आदमी नहीं ला सकता है, ये कहीं ना कहीं ईश्वर का देन है। सुखाड़, अब बताइए, इस सुखाड़ के जी बात कर रही थी ओ जी, अब बताऊँ ना जी, तू ही सुखाड़ तू ले लमू अजी। सुखाड़ के बात अगर करल जाए तो सुखाड़ हमरा तोरा से आ जातो नहीं ना तो जी, तो फिर सुखाड़ को हम लोग ला ही नहीं सकते। तो सुखाड़ कौन सी आपदा है सर? सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है या नहीं? बोलेंगे हाँ सर, सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा। और कोई बताइए जो प्राकृतिक आपदा है जिसको हम नहीं करते? ज्वालामुखी, जो आग फटके देता है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वाला मुँह और खकड़ा वैसे खी, ज्वालामुखी, क्या ज्वालामुखी मनुष्य ला सकता है? नहीं। तो ज्वालामुखी भी एक प्राकृतिक आपदा है। मेरे प्यारे बच्चों, इस डिफिनेशन पर मैं आ रहा हूँ, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो इसको डैश मार के पता है क्या लिखना है? वैसा आपदा जो प्राकृतिक द्वारा घटित होती है, उस आपदा को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। डिफिनेशन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब वीडियो को रुक कर डिफिनेशन लिख लेंगे। वैसी आपदा जो प्राकृतिक द्वारा घटित होती है, उस आपदा को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। फिर से सुने, वैसी आपदा जो प्राकृतिक द्वारा घटित होती है, उस आपदा को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। एग्जाम्पल, भूकंप, बाढ़, सुनामी, महामारी। यहां ध्यान दीजिए, महामारी, महामारी देखिए, तो महामारी मैंने बहुत सारी बीमारियां हो जाती है इन्होंने, प्राकृतिक आपदा है कि मनुष्य आपदा है? मैंने महामारी की बीमारियां जो है पर ईश्वर नहीं करते बच्चों, जो भी हमारे यहाँ बीमारियां हो रही हो, प्राकृतिक नहीं, मनुष्य नहीं कर, मनुष्य कर रहे हैं। महामारी यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा, महामारी, रेल दुर्घटना, अगर रेल लड़ गया तो क्या रेल ईश्वर लड़ा दिए जी? आपको पटरी पर जाना था, ये वाला पटरी पर लेकर चल गया वो वाला, तो क्या ईश्वर के काम है? अरे गधा, ये तो आपकी काम न है, ये किसकी काम है? ये आपके काम है। तो रेल दुर्घटना प्राकृतिक आपदा है, सॉरी, रेल दुर्घटना यार मानवीय आपदा ना है। आप दोनों का डिफिनेशन देखिए, उसके बाद एग्जांपल में उसको और लिख रहा हूँ। इसको मैंने सब बोल दिया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। वैसी आपदा जो प्राकृतिक द्वारा घटित होती है, उस आपदा को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मतलब जो भगवान करते हैं, ऐसे समझना, जो भगवान करते उसको हम नहीं कर सकते हैं। अब बोलिए मानवीय आपदा क्या है? मानवीय आपदा कह रहा कहते हैं सर, वैसा आपदा
जो मानव द्वारा घटित होती है। मानव कुछ गलती करते हैं, कुछ मिस्टेक करते हैं, भूल चूक हो जाती है मानव से, और जकरा से वो आपदा होती है, उन आपदाओं को बच्चों मानवीय आपदा कहते हैं। कौन आपदा कहते हैं सर? मानवीय आपदा कहते हैं। कौन सी आपदा कहते हैं? मानवीय आपदा कहते हैं। वैसी आपदा जो मानव द्वारा घटित होती है, मानव के द्वारा भूल चूक से घटित होती है, मानव के भूल चूक से घटित होती है, उन आपदा को हम मानवीय आपदा कहते हैं। सर एक बार डिफिनेशन हम खखर के बोल दीजिए तो देखिए खखर का डिफिनेशन। मानवीय आपदा किसे कहते हैं? तो वैसा आपदा, वैसी आपदा जो मानव द्वारा घटित होती है, उस आपदा को हम मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे महामारी, महामारी मैंने कुछ बीमारी हो जा रहा है, इन्होंने पूरा बीमारियां हो रही है, तो ईश्वर के दिन नहीं है, हम लोग की गलतियां से होती है। सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक सांप्रदायिक दंगे, देखिए बच्चों क्या कह रहा है। सांप्रदायिक सांप्रदायिक दंगे, देख लीजिएगा मैंने सांप्रदायिक होता लगा। सांप्रदायिक दंगे के मतलब एक लोग दूसरे लोग से लड़ जाते हैं, एक लोग दूसरे लोग से झगड़ जाते हैं, सामूहिक बना के झगड़ जाते हैं, 20 आदमी इन्ने से, 20 आदमी इन्ने से। ईव लॉ वाला गांव है जो दांगी टोला वाला गांव से लड़ जाए, लॉ वाला आदमी जो है टिकारी से लड़ जा रहा है, लॉ वाला आदमी पटना वाला आदमी से लड़ जा रहा है, तो बच्चों इस सांप्रदायिक दंगे है। एक दूसरे से मिल के कुछ दंगे कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, यह है सांप्रदायिक दंगे। क्या प्राकृतिक है? नहीं सर, ये सांप्रदायिक दंगे जो है मानवीय आपदा है। रेल दुर्घटना, रेल अगर दुर्घटना हो जा रहा है, दुर्घटना रेल दुर्घटना घटना रेल दुर्घटना, रेल जो है आपस में लड़ जा रहा है, क्या रेल दुर्घटना मानवीय आपदा नहीं है? क्योंकि रेल लड़ाने का काम कौन किया? मानव किया। तो बच्चों रेल दुर्घटना भी मानवीय आपदा है। यहाँ तक बात को समझ पाए कि नहीं? प्रकृति का महामारी, सांप्रदायिक दंगे, रेल दुर्घटना, आग लगना, आग लगना, अगर घरों में आग लगते हैं तो आग अगर लग जा रहा है तो आग लगना क्या है? मनुष्य मानव की गलतियां से नहीं हो रही? हाँ, मानव की गलतियां से हो रही। आग अगर लग जा रहा है, मैं देखो बच्चों मैं क्लीन नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं, जब तक आप लिख नहीं पाइएगा, ये नहीं कि मैं लिख दूं पीडीएफ बना के दे दूं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप क्या करें बस वो पीडीएफ देखते रहें, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। बच्चों उससे आपकी कल्याण नहीं होगी। चीज़ों को समझिए और खुद अपना नोट कॉपी बनाइए, उससे आपकी कल्याण होगी। समझ रहे हैं ना? तो आप चीज़ों को समझें और आसानी से बताने की कोशिश करें। आग लगना क्या प्रकृति का लगा देते हैं? नहीं, मानव की गलतियां से होती है, मानव की गलतियां से होती है। एक देश दूसरे देश से लड़ जाते हैं, ये भी दंगे हैं, इसी को बोलते हैं सांप्रदायिक दंगे। तो बच्चों ये भी मानवीय आपदा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं वो भी समझ रहे हैं पूरा, मानवीय आपदा कहते हैं उसको भी समझ रहे हैं, आपदा प्रबंधन क्या है वो भी समझ पा रहे हैं, और आपदा किसे कहते हैं मैं पूरा उम्मीद करता हूं सारा का सारा समझ पाए होंगे। तो बच्चों अब मैं समझा पा रहा हूं आपको, क्या जी सुनामी क्या है, और अगर इजाजत है तो मैं भूकंप समझाता हूं। चलिए यहां तक आप चीजों के मटारिये, वीडियो ज्यादा लॉन्ग भी नहीं करनी है, 26 मिनट की वीडियो हो चुका है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए होंगे तो मटार दिए बच्चों, और डिफिनेशन में लिखाया नहीं, मैं सिर्फ बोल के छोड़ दिया हूं, तो आप डिफिनेशन को अपना मर्जी से क्या करें लिख पाइएगा। अब चलिए मैं आपको समझा रहा हूं सुनामी क्या है। अब क्या समझा रहा हूं सर? सुनामी ऐसे छोड़िए, सुनामी सर सुनामी समझ लीजिए। टॉपिक आज कितना 4 है ना, चौथा क्वेश्चन से सुनामी क्या है, सुनामी क्या है। देखिए सुनामी क्या होती है, जब समुद्र में भूकंप आती है, भूकंप जैसे मान लीजिए जमीन पर आया, तो जब भूकंप जमीन पर आई तो पृथ्वी को ऐसे से हिला दिया, ऐसे से हिला दिया, कंपन करा दिया,
तो पृथ्वी जब आंतरिक उसकी हलचल होती है, कुछ अंदर प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम होने से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कंपन होती है, पृथ्वी ऊपर कांपे लगता है, उसको हम भूकंप कहते हैं। लेकिन हम तो समझ रहे हैं सुनामी क्या है। तो जब यही वाला भूकंपा जब समुद्रवा में आता है, जब यही वाला भूकंपा जब समुद्रवा में आती है, तो समुद्रवा में आने वाले भूकंपा को हम सुनामी कहते हैं। क्लियर हो रहा है सर? हाँ क्लियर हो रहा है। मतलब धरती पर भूकंप आया तो घर में घर है, दीवार है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, ये जो है कंपन कर रही है, ठीक है, बोलेंगे हाँ सर ठीक है। लेकिन यही भूकंप हुआ अगर समुद्र के पमाले की पानी, समुद्र है पानी ऐसे भरा हुआ, तो एक अंदर अगर कांपेगा तो पानी ऐसे से हल फेगा ना जी, तो पानी ऐसे से हला फरा है ना, ये पानी ऐसे से हला फरा है, इसी को तो बोल रहा है सुनामी। तब बताइए पानी ऐसे से कब हल फेगा? तो बोलेंगे सर पानी ऐसे से तब हल फमारेगी, इसमें तब कंपन होगी जब बच्चों इसमें भूकंप आएगा। तो आपसे सवाल करेगा कि सुनामी क्या है, तो क्या बोलेंगे हम? हम बोलेंगे कि समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सुनामी। तो आपसे सवाल अगर करेंगे सुनामी क्या है, तो बोलेंगे समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। बच्चों जब बड़े बड़े सुनामी आते हैं ना, बहुत कस के जब लहरें चलती ना, तो समुद्र में चल रही नाव को भी क्या करता, उठा कर फेंक देता है बहुत दूर, जिससे भी जहाज जो चल रही है समुद्र में, जो जहाजें चल रही होती है, जहाजें चल रही होती है, उसमें रहे हो लोग की मृत्यु हो जाती है। तो क्या सुनामी आपदा नहीं था? तो सुनामी भी एक आपदा था। तो सुनामी किसे कहते हैं? तो समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। अगर डिफिनेशन आ जाए कि सुनामी क्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। समुद्र में आने वाले भूकंप को हम क्या कहते हैं सर? समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। मैं दो तीन बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। सुनामी किसे कहते हैं? तो समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। यहाँ तक बात को समझ पाए तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ पाए। यहाँ तक अगला सवाल को समझिए, भूकंप किसे कहते हैं? किसे से आप जहाँ समझे कि समुद्र में आने वाले भूकंप हुआ को हम सुनामी कह रहे हैं। अब हमको भूकंप है नहीं समझ में आ रहा है कि भूकंप कहते हैं किसको। तो बच्चों सबसे पहले आप समझिए भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप क्या है, चाहे भूकंप किसे कहते हैं। अगर सवाल बच्चों मैं करूँ आपसे कि भूकंप प्राकृतिक आपदा है कि मानवीय, तो आप आंसर टिक कर पाइए कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, हाँ या नहीं, बोलेंगे हाँ सर है। अब इसको डिफिनेशन को देखिए, भूकंप किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको बताया गया था कि मान लीजिए कि पृथ्वी है, अभी पृथ्वी है तो पृथ्वी है तो बताइए पृथ्वी के अंदर जो है हलचल होती है। हलचल के मतलब पृथ्वी के अंदर अगर कुछ कंपन होती है, पृथ्वी के अंदर इन्हें उन्हें कुछ हो रहा है, पृथ्वी के अंदर वस्तुएं इधर उधर जा रही है, कुछ हलचल हो रही है। तो जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, वो हलचल होने से इसकी ऊपरी सतह जो है कांपे लगता है। कंपनी का मतलब पृथ्वी ऐसे ऐसे हिलने लग रहा है, हिल रहा है। जब अंदर हलचल होगा, अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, तो ऊपर तो कंपन होगा, पृथ्वी तो कांपेगा। जैसे बच्चों बचपन में हम लोग क्या करते थे, छत में लगे हुए रड को ऐसे करते थे, हुई रड ऐसे छत में लगा हुआ है, तो इसको ऐसे करके छोड़ा करते थे ऐसे। जैसे ही बच्चों में ऐसे छोड़ते थे तो करता था भन, ऐसे किया करते होंगे कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर करते थे। तो वैसे ही कह रहे कि सुना भूकंप किसे कहते हैं, चाहे भूकंप क्या है। तो बच्चों भूकंप क्या है, तो पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर जो है हलचल होता है। हलचल के मतलब इन्ने वाला उन्ने, इन्ने वाला वाला वस्तु इन्ने, और इन्ने वाला वस्तु इन्ने, इन्ने के उन्हें कुछ हो रहा है, प्लेट इन्ने से उन्हें हो रहा है, चाहे कुछ भी इन्ने से उन्हें हो रही है। जब इन्ने से उन्हें हो रहा है तो इन्ने से उन्हें कुछ वस्तुएं होती है, उसको हम बोलते हैं हलचल, और पृथ्वी के अंदर हो रहा है हलचल। तो जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है तो पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जब पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कंपन होती है तो उस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। उस कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। डिफिनेशन देखिए,
अंदर जो है हलचल हो रहा है, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है संभाले, घर द्वार है, बिल्डिंग वगैरह है, सब पेड़ बगान है, जैसे ही अंदर कंपन हुआ तो ऊपर वाला का हुआ हीले लगा, ऐसे ऐसे हीले लगा, तो हीले लगा उसी को तो बोल रहे हैं कंपन होना, ओकरे तो भूकंप कहते हैं। सर डिफिनेशन बोलियो तो एक बार, भूकंप किसे कहते हैं? बोलेंगे पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो कंपन होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। सर डिफिनेशन को एक बार फिर से बोलिए ना, भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कंपन होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो कंपन होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। तो भूकंप का डिफिनेशन लिख दिए तो सर देखिए लिख देते हैं, कह रहा है पृथ्वी के, मैं बोल पा रहा हूं, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण, आंतरिक हलचल के कारण, हलचल के कारण पृथ्वी के आंतरिक, आंतरिक ऐसे भी लिख सकते हैं, बुंदा भी लिख सकते हैं, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो उसकी, चाहे जो पृथ्वी लिख दे, चाहे हलचल के कारण जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर कंपन होती है, कंपन होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम भूकंप कहते हैं, उसे हम भूकंप कहते हैं, उसे हम भूकंप कहते हैं। अब बताइए भूकंप कितना तेजी से आ रहा है इसकी पता लगाता है रिक्टर स्केल। तो इसको बोलेगा भूकंप की तीव्रता किसे पता लगाते हैं? भूकंप की तीव्रता, और तीव्रता के मतलब तेजी से क्या आ रहा है, भूकंप की तीव्रता का पता लगाते हैं रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल। अब भूकंप का पता किसे लगाते हैं? भूकंप का पता सिस्मोग्राफ से लगाते हैं, सिस्मोग्राफ से। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों स्टार है, इसको याद रखिए। भूकंप कितना तेजी से आएगा इसकी पता लगाता है रिक्टर स्केल। भूकंप कितना तेजी आएगा माने एकदम कस के आएगा कि धीरे ऐसे धीरे धीरे हिलेगा, एकदम ऐसे कस के हिलेगा, इसकी पता लगाता है रिक्टर स्केल। तो पूछेगा भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो रिक्टर स्केल से, रिक्टर स्केल। लेकिन भूकंप का पता लगाया है कि हाँ भूकंप कल आएगा कि परसों आएगा कि तरसों आएगा, इसकी पता लगाता है बच्चों सिस्मोग्राफ। कौन लगाता है? सिस्मोग्राफ। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बात को बहुत बारीक के ढंग से समझ पाए होंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आपसे हम कुछ सवाल करते हैं उसका आंसर जो है कमेंट में पिन करनी है। बोलेंगे हाँ या नहीं, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल कमेंट में हम पिन करेंगे। तो पहला सवाल बताना है, इसको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आंसर कमेंट में करनी है। क्वेश्चन 1, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं इसका आंसर देना है पहला। दूसरा, सुनामी, सुनामी प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा है? तीसरा, भूकंप प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा है? चौथा, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा है? महामारी प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा है? छठा, रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना, 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 रेल दुर्घटना है। ये बच्चों 1 2 3 4 5 6 सवाल मैंने कॉम दिया है, ये 6 सवाल का आंसर आपको कमेंट में क्या करना है बच्चों? पिन करना है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू।
आप वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप ही तो मेरा वीडियो को देखते हैं, इकलौता बच्चे आप हैं, इसलिए आप जो है मेरे दिल में हैं और दिमाग में दोनों में रहते हैं। आप सिर्फ वीडियो देखते रहें और इसका लाभ उठाते रहें, आप भी बढ़ेंगे, मैं भी बढ़ूंगा। एक दिन पक्का आपको सपोर्ट करूंगा जिस दिन मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा। बच्चों टेंशन ली क्यों लेते हैं आप? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो बाबू लाइक कर दो, लाइक करने में पैसा नहीं लगता। थैंक यू बच्चों, लव यू, बाय।